एक ये वाला बैग है बस, एक पानी का बॉटल मैंने ले लिया, बाकी दैट्स इट। रूम का जो है नुम, हाँ कल खाना खाया था। ओए आज तो बारिश हुई है भाई। हाँ बारिश हुई थी क्या? मॉर्निंग से हो रही थी। चलो नहीं ये नहीं चाहिए भैया, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, थैंक यू। चले शुरू करें फिर। हाँ हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एक पानी का बोतल चोरी करते हुए, क्योंकि पानी जरूरी है। हाँ जहाँ भी जाओ पानी लेके जाओ, पानी पीते जाओ। हाँ चलो भाई अब सीधे निकलते हैं यहाँ से। अपना दोनों बैग आ गया और एक मैंने ना उसमें ना शैम्पू वाला पानी बना लिया, क्योंकि मेरा जो इधर से जाए तो इसलिए बना लिया, क्योंकि मेरा जो विंडशील है ना वो गंदा है। आ जाओ भैया फटाक से भाई, थैंक यू। अरे भाई अपना स्टे बहुत मस्त था, ठीक है। खाना भी बहुत मस्त था, वैसे दाल चावल ही मंगवाया था मैंने। हेलो भैया, हेलो हेलो, ठीक हो आप? ठीक है। खम्बा गड़ी, खम्बा गड़ी देते भाई। भैया बहुत स्वीट थे, मैंने बस एक बार रिक्वेस्ट किया। और देखो मैं तो अपने से पानी बना के लाया था, क्योंकि नॉर्मली तो गाड़ी मैं ही साफ करता हूँ, बट वेरी स्वीट। तो मैं भी रेकमेंड करता हूँ यार, आप कोटा आ रहे हो तो क्लार्क्स में रुक सकते हो, ठीक है। रूम कंफर्टेबल था, गाड़ी सामने लग जाती है। बस मेरे को एक था कि गाड़ी मेरी अंदर लगे, बट गाड़ी सेफ थी, ऊपर से दिख भी रहा था और यहाँ पे गार्ड भी थे। चलो जी जी भैया फोटो। हाँ ठीक है भाई, मस्त निकल गए। आज मौसम कितना तगड़ा हो रहा है भाई, बहुत तगड़ा। और यहाँ पे ना आपकी दुकान बहुत जगह है, बहुत जगह, मतलब इस एरिया में तो बहुत जगह। पता नहीं कौन सा एरिया था, बट मैं क्लार्क्स में रुका था और अच्छा था यार, मतलब मिला जुला के ना। होटल का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, एंड शायद ना वो कह रहे थे कि कल रात में बहुत लोग आए थे। वैसे तो मैं रात में जगह था, लेकिन मैं होटल से निकला ही नहीं यार, एडिटिंग वेडिटिंग कर रहा था, क्योंकि उसके पहले वाले दिन सुबह 5 बजे तक जगह हुआ था तो काम नहीं हो पाया था। एक दिन वीडियो भी मेरा लेट चल रहा है यार, कभी कभी हो जाता है यार, देखो ट्रैवलिंग के टाइम पे ना हो जाता है। बाकी आज का अपना डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 250 किलोमीटर है, और यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं पार्टी करने। हाँ सिर्फ पार्टी करने तो जयपुर में अपना कोई एजेंडा नहीं है भाई। देखो गरड़िया महादेव तो मेरे को आना था, तो इसीलिए कोटा आया मैं, बट एक बार मानसून में मैं ज़रूर आऊँगा यार, क्योंकि वो जगह ना मुझे देख के समझ में आ गया था कि भाई मानसून में वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। और मानसून में वो होटल में कल भाई मिले थे ना, उन्होंने मुझे कचौड़ी दी थी, 4 कचौड़ी दी थी, 3 खा गया भाई। इतना कचौड़ी खाऊंगा तो पेट सुबह 2 बार वॉशरूम में बैठना पड़ा भाई, बट खा गया भाई, बहुत टेस्टी था कसम से, मतलब बहुत टेस्टी यार। चटोरा भी तो हूं ना मैं तो बोल दिया था एकदम बेशर्मों की तरह ना, भैया समोसा भी होगा तो बताना प्लीज इतना बेशर्म आदमी कि भैया उन्होंने खुद से बोला कि आपने कचौड़ी खाया, मैंने कहा अगर होटल में मिलेगा तो खा लूंगा यार, होटल में तो नहीं मैं बाहर से। मैंने उनको बोल दिया भैया समोसा भी मिलेगा तो प्लीज बताना। हाँ बताओ क्या सोच रहे होंगे यार, कि साला क्या आदमी है बदतमीज। बहुत अच्छा काम किया था कि भाई मैंने इसमें पूरा डीजल फुल करा लिया था, वैसे नहीं भी कराता तो आराम से जयपुर तक तो चली जाती, 450-450 किलोमीटर ही चली थी गाड़ी, बट फिर भी मैंने कहा रहेगा तो क्या माड़ा है। बहुत तगड़ा वेदर भाई, बहुत तगड़ा वेदर। एसी देखो ना 26, तभी मैं कौन साला अंदर क्यों गर्मी लग रही है, बाहर का वेदर तो बहुत अच्छा था। क्या था तो नए बम्पर बनाए हुए हैं नेशनल हाईवे 52, वो सिटी विटी अच्छा ऊपर है ना भैया, ऊपर जाके मिलना है नेशनल हाईवे 52 पे, और उसके बाद वहाँ से सीधा यही हाईवे ले जाएगा, मतलब मेन कोटा सिटी से ज़्यादा अपने होटल से ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हाईवे आने में। दिल के दर्द पे मेरे तू नहीं कहीं। ये जो नेशनल हाईवे 52 है ना, ये अपने को ना टोंक होके निकालता है, और यही रास्ता ना आगे आपको ना इंदौर, अगर आप उस साइड से उस वाले रोड पे जाओगे ना तो इंदौर भी निकाल सकता है, ठीक है, एमपी में भी घुसने का यही मेन हाईवे है। और उस दिन जो हम आए ना दोसा से, वो जीपीएस ने ना अंदर वाला रूट दिखाया गांव वाला। वैसे तो देखो रात में उतनी दिक्कत नहीं थी, बट मैंने बताया था ना एक बाइक वाला भाई, वो बहुत देर से आगे पीछे कर रहा था। बट जब तक आप गाड़ी के अंदर हो ना आप सेफ हो, मतलब गाड़ी के अंदर जब तक हो आप सेफ हो। बट अंडा वंडा मारने का भी ना केस वेस होता है, राजस्थान में तो उतना नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा स्टेट हाईवेज को अवॉइड करना चाहिए इतनी रात में ड्राइव करने के लिए, अदरवाइज नेशनल हाईवे पे हमेशा ट्रक्स आपको मिलेंगे, अच्छे ढाबे मिलेंगे। क्या
क्या मस्त रोड है ना, और ट्रैफिक भी उतना ज्यादा नहीं है। मतलब एक्सप्रेसवेज एक्चुअली बोरिंग होते हैं यार, एक्सप्रेसवेज पे ना कुछ करने को नहीं होता है। यहाँ पे एटलीस्ट बाइक आ रही है सामने तो ब्रेक लग रहा है, थोड़ा गाली बक रहा हूँ, थोड़ा वो मेरे को गाली बक रहा है, तो गाली बकते बकते चलने में अच्छा लगता है। मतलब एक्साइटमेंट और एनर्जी ना अच्छा रहता है, कभी नींद नहीं आती आपको। मतलब नींद आ सकती है लेकिन नींद कम आती है। एक्सप्रेसवेज पे तो चढ़ते के साथ ही थोड़े दूर तक एक्साइटमेंट रहता है, कितना ही भगा लोगे यार, कितना ही भगा लोगे, एक बार के लिए तो आप स्पीड से भी बोर हो जाते हो भाई। हाँ हो गया, टच कर लिया जो टच करना था, हाँ जो मैक्सिमम स्पीड चेक करना था कर लिया, अब क्या। और यहाँ पे देखो उल्टा बाइक वाले भैया, अरे भाग बहन ऐसा बोल दिया कुछ उनको, उन्होंने देखा कि अंदर से कुछ हाथ का इशारा कर रहा है, फिर उन्होंने भी कुछ बोला, फिर आप लिप रीडिंग पढ़ते हो कि भाई उन्होंने क्या बोला, फिर आपको और गुस्सा आता है, फिर सामने से जो दूसरी गाड़ी आ रही होती है फिर आपकी तरफ गाड़ी मोड़ देते हो, ऐसा डराते रहते हो, वो आपको डराते रहते हैं। ट्रक वाले अपना घर का गुस्सा आप पे निकाल सकते हैं, आप अपना गुस्सा ट्रक वालों पे नहीं निकाल सकते। ट्रक तो बड़ा है ना, बड़ा है तो बेहतर है। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठा है यार। हाँ शायद, हाँ कुछ ना कुछ तो बेड़ा है भाई, कुछ ना कुछ तो बेड़ा है। ओए होए टेल लाइट निकल गया, चलो कोई बात नहीं, किसी को चोट नहीं लगनी है। गाड़ी घोड़ा क्या है यार, गाड़ी घोड़ा बनता रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है भाई। आदमी इंसान रहना चाहिए, इंसान रहेगा तो गाड़ी आता रहेगा, इंसान ही रहेगा तो साला गाड़ी कौन चलाएगा। अभी तो इतना एडवांस हुए नहीं है कि भाई रोबोट वोबोट गाड़ी चला रहे हैं, कुछ टाइम में हो जाएगा। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो आजकल ना आँख में लगा के पता नहीं क्या कर रहे हैं यार लोग। इस रास्ते पे ना ढाबे कम है यार, रास्ता तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। मतलब रोड्स एकदम रपा रप है यार, राजस्थान के रोड्स ना बहुत अमेजिंग। बट देखो ऐसे छोटे ढाबे, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे गुजरात वगैरह में, या फिर अपन उधर जाते हैं ना श्रीनगर, नहीं शिमला वगैरह के साइड चंडीगढ़ जाते हैं तो कितने मस्त ढाबे आते हैं यार, उस तरह के ढाबे ना बहुत कम स्टेट्स में। वैसे ढाबे में तो वहाँ तो प्रॉपर होटल, मतलब वॉशरूम इतना अच्छा, आपको टाइम टू टाइम कॉफ़ी के यू नो सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो कॉफ़ी ऑफी मिलता है। इधर ना मतलब यार कॉफ़ी शॉप खोलो यार, हाँ कॉफ़ी शॉप खोलो भाई, ऐसे कॉफ़ी पीने वाले बहुत लोग हैं। ये तो कुछ ठीक ठाक सा लग रहा है, बट खाने के क्या ऑप्शन होंगे ना पता नहीं। हाईवे नेस्ट देखते हैं, गाड़ी इधर लगाते हैं, हल्का फुल्का तो कुछ मिल ही जाएगा जी। ठीक है, चाय भी है क्या? जब भूख लगती है ना तो कोई फुटानी नहीं चलती है कि भैया ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। यहाँ पे मस्त दो पैटीज खाए और एक चाय। पता नहीं क्यों सर्दी हो रही है यार, हाँ साला थोड़ी सी बारिश हुई सर्दी क्यों हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है यार, पीछे देख रहे हो क्या ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है ना गुजरात या महाराष्ट्र में आ गए, वेस्टर्न घाट्स वाला। अगस्त के टाइम पे प्लान करेंगे, हर साल अगस्त में जाते हैं ना, इस साल भी अगस्त में प्लान करेंगे। बाकी एक टोल आया था अभी पीछे, ये पीछे जस्ट उसके बाद यही एक दिखा था हाईवे नेस्ट। यहाँ पे भी सिर्फ पेटीज या क्रीम रोल का ही ऑप्शन था और कुछ नहीं। मेरा मन था पराठे खाने का, ट्रैवल के टाइम पे पराठे मैगी यही सब चलता है यार, इसके अलावा ना आपको ना ज़्यादा। हाँ पूड़ी भाजी, अपना होटल में शायद ब्रेकफास्ट भी मैंने बुक किया था, कल खाऊंगा तगड़ा। भाई मैं इतना तेज ब्रेक मारा, इतना तेज, गाय इधर से निकली और इधर क्रॉस कर रही है। वो तो लकली पीछे देखो कोई अभी दिख नहीं रहा है, हाँ पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, नहीं तो इतनी तेज ब्रेकिंग में ना पीछे से गाड़ी आके ठक। भाई शुभ शुभ बोलो, इस झाड़ी के नीचे 2 करोड़ रुपए हैं, मेरे को मिल जाएंगे और किसी को नहीं मिलेंगे दुनिया में। ये
भाई अपन जयपुर इंटर हो गए। पता नहीं ये कौन सा रास्ता है, रेलवे लाइन बगल से चल रहा है, अगर ट्रेन आ जाती तो अच्छे शॉट्स आ जाते, ठीक है। और जयपुर का भी मौसम मस्त है यार, हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है लिटिल लिटिल। अब ये देख रहे हो पता है क्या हो रहा है, ये ना वायर खराब हो गया है ये वाला, तो बार बार ना जैसे ही गड्ढे वड्ढे में जा रही है ना, तो देखो अब आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन ललित में ही रुक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम ललित में ही रुके थे और उसका खाना बहुत अमेजिंग था यार, होटल भी अच्छा था, प्लस सिटी से निकलने में ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। लास्ट टाइम मैं एक बार रैडिसन में रुका था, उसमें बेकार था यार, मतलब मेरे को सही नहीं लगा, मेरे को मज़ा नहीं आया उसका ना, लॉबी वॉबी एकदम छोटा सा। तो सही है, अभी यहाँ से फटाफट सीधा कट लो भग लो। आ गए जी अपने गंतव्य स्थान पे। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आए थे भाई। जयपुर में ना पार्टी का सीन वीकेंड में ना बहुत अमेजिंग होता है, बहुत अमेजिंग। और मैं गुड़गांव में पार्टी कर नहीं सकता। हेलो जी, क्या करे भैया, चेक करना है सर, बोनट खोलूं, डिक्की खोलूं? भाई डिक्की खोल के चेक भी तो करना है भाई को, बम वम तो नहीं लेके आ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, ये है जी अपना रूम, मस्त वॉशरूम। आज तो मैंने सारा डेनिम डेनिम पहना है, हाँ ये वॉशरूम बहुत मस्त है, इसलिए मैं यहाँ पे रुका सिर्फ वॉशरूम के लिए, रूम से मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, ये भी अच्छा है। एंड सामने से ना इस बार मैंने उनको बोला कि भाई प्लीज़ मेरे को अच्छा व्यू वाला रूम देना, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे फ्रंट व्यू वाला दिया, यहाँ से पूल। साला कोई नहा क्यों नहीं रहा, एक आदमी नहा रहा है बस, बेकार है साला पूल व्यू। हाँ भाई ये वाला व्यू, ठीक है, ये मज़ेदार है यार। मौसम आज इतना मस्त हो रहा है ना, इतना मस्त, वैसे भी रूम में जा कहाँ ही रहने वाला हूँ मैं, मस्त हो रहा है। चलो अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार। हाँ अभी फटाफट क्या करेंगे, खाना मंगाएंगे, क्योंकि मेरे को भूख लगी है बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है। तो खाना मंगाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर शाम में उठ के जाएंगे क्लबिंग पार्टी। हाँ पारी चलेंगे, यहाँ की लाइटिंग अच्छी है, पारी चलेंगे, पारी। बाकी अगर ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। टिल देन पीस।